अरेस्ट कराए, इसमें हमारे तीन चार कार्यकर्ता हाथ पांव भी तोड़ गए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि आज जियो 370 निकालने से पहले किसी को संपर्क नहीं करे वो अपने टीम जो कैंडिडेट लेके आके वो जियो निकाले। मैं उनसे बोलता हूं कि पूरे उपाध्याय लोगों को उनके जो भी संघ है सबको बुला के आप बिठा के ये जियो फिर एक बार पास कराना बोल के। आज तेलंगाना में हर जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले रहा है। अब मुंसिपल देख लो, हुसैनाबाद का इलेक्शन देख लो, ये सब देखकर केसीआर साहब को सामने आने वाले 2023 में काशा झंडा, 2023 में हमारा भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत आ रहा है, काशा झंडा लगेगा ये देख के पूरा वो डर गए और ऐसे काम बेतु का काम कर रहे। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। फिर एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी से और बंडे संचालक हम सब साथ है, अगर उनको आज रिलीज नहीं करे तो हम एक दिन देख के कल तेलंगाना भवन को घेराव करेंगे। भारत माता जय श्री राम, जय मोदी जी, जय मोदी जी, जय जनता, भारतीय जनता पार्टी।